हाय एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंटली एयर इंडिया ने अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम फ्लाइंग रिटर्न्स को रिवैम्प किया है, तो उससे एयर इंडिया पर अवार्ड टिकट्स रिडेम्पशन से जो रिटर्न मिलता है उस पर इम्पैक्ट आया है, और इससे एयर इंडिया के को ब्रांडेड कार्ड्स के रिटर्न में भी चेंज आया है। एयर इंडिया के सिर्फ दो को ब्रांडेड कार्ड्स ही हैं, SBI एयर इंडिया प्लैटिनम और SBI एयर इंडिया सिग्नेचर। आज इस वीडियो में हम SBI एयर इंडिया सिग्नेचर की डिस्कशन करेंगे। इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को हम डिटेल में देखेंगे और अंत में बताएंगे कि चेंजेस के बाद ये कार्ड कैसा है। सो लेट्स बिगिन। एज ऑलवेज शुरू करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 4,999 रुपए प्लस टैक्सेस। इस कार्ड पर ऐसा कोई रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया नहीं है। फी के बाद इस कार्ड के वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। वेलकम बेनिफिट्स में आपको 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं फी पे करने के 15 दिन के अंदर, और रिन्यूअल बेनिफिट में आपको 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं रिन्यूअल फी पे करने पर। अब चलिए बात करते हैं इस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की। तो इस कार्ड पर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स में बस लाउंज एक्सेस मिलता है, आपको एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं। आप इस कार्ड के साथ प्रायोरिटी पास भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स नहीं मिलती। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के बाद इस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इस कार्ड के बेस रिवॉर्ड की बात करते हैं, तो आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आपको फ्यूल, रेंट, वॉलेट लोड्स, EMI ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। बाकी अगर एयर इंडिया के खर्चों की बात करें, तो एयर इंडिया की ऐप और वेबसाइट पर खुद की टिकट्स बुक करने पर हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप अपने लिए एयर इंडिया को कॉल करके टिकट बुक करते हैं तो आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप किसी और के लिए एयर इंडिया की ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट नोट करें कि जब आप अपनी टिकट्स बुक कर रहे हैं तब आप मेक श्योर करें कि आपका फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर भी रिकॉर्ड हो रहा है, और जो 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऐसी टिकट्स पर उसमें 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको पहले मिल जाते हैं और 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको 45 दिन बाद मिलते हैं। इस कार्ड पर कुछ स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन्स मिलते हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। एक साल में 5,00,000 रुपए का खर्चा करने पर आपको 20,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और 10,00,000 रुपए का खर्चा करने पर आपको और 30,000 पॉइंट्स मिलते हैं, और 20,00,000 रुपए खर्चा करने पर आपको और 50,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि एक साल में टोटल 20,00,000 रुपए का खर्चा करने पर आपको 1,00,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की। तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट एयर इंडिया के माइल्स में। 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इक्वल्स टू 1 एयर इंडिया माइल। पॉइंट्स रिडीम करते समय आपको मिनिमम 10,000 पॉइंट्स रिडीम करने पड़ेंगे, और आप सिर्फ 5,000 पॉइंट्स के डिनोमिनेशन में रिडीम कर सकते हो पॉइंट्स को, जैसे कि 15,000 पॉइंट्स, 20,000 पॉइंट्स, 25,000 पॉइंट्स, 30,000 पॉइंट्स एक्सेट्रा। आप इन माइल्स से अपने लिए तभी टिकट बुक कर सकते हो जब आपने ये कार्ड लेने के बाद फ्रीक्वेंट फ्लायर में कनेक्ट कर लिया हो, और उस फ्रीक्वेंट फ्लायर अकाउंट में एटलीस्ट एक पेड टिकट बुक कर ली हो तब। और आप किसी और के लिए तभी टिकट बुक कर सकते हो जब आपने मिनिमम 5 पेड टिकट्स ऑलरेडी बुक कर ली हो। अब अगर हम माइल्स की वैल्यू की बात करें, तो एयर इंडिया में माइल्स से बिजनेस क्लास टिकट पर अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। तो अगर आप प्रीमियम क्लासेस के लिए बुकिंग करना चाहते हो तो एयर इंडिया के फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, पहले भी नहीं था और अब जो चेंजेस आए उसके बाद भी नहीं। तो चेंजेस आने से पहले आपको दिल्ली टू मुंबई की इकोनॉमी क्लास टिकट आपको 10,000 माइल्स में मिलती थी। हमारे हिसाब से ऑन एन एवरेज आपको 40 पैसा के अराउंड पर माइल की वैल्यू मिलती थी, लेकिन अब चेंजेस के बाद जैसे आपको दिल्ली टू मुंबई की फ्लाइट 5,000 माइल्स में भी मिल सकती है। 5,000 से 9,500 माइल्स के बीच में ये फ्लाइट मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कब टिकट बुक करते हो। हमारे एनालिसिस के हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज 60 से 80 पैसा पर माइल की वैल्यू मिल सकती है इकोनॉमी क्लास टिकट पर डोमेस्टिक एज वेल एज ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ये थे इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब चलिए बात करते हैं कि हमें ये कार्ड कैसा लगा खासकर चेंजेस के बाद। तो इस कार्ड पर जो वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं उससे आप अराउंड 3 से 4 इकोनॉमी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। अब 5,900 रुपए की फी पे करने पर जो वेलकम बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो काफी बढ़िया हैं। लेकिन रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स से मे बी आपको एक फ्लाइट मिल जाए और मे बी ना भी मिले, तो हमारे हिसाब से ये बेटर हो सकता है। कम से कम 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते तो बहुत बढ़िया होता। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स में डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ठीक है, लेकिन अगर थोड़े ओवरसीज लाउंज विजिट्स भी होती तो बढ़िया रहता।
और अब अगर रिटर्न की बात करें तो इस कार्ड का बेस रिटर्न अगर हम एक पॉइंट की वैल्यू 60 पैसा अज्यूम करें तो 2.4% होगा। दूसरा कि एयर इंडिया टिकट्स पर आपको अराउंड 6% का रिटर्न मिल सकता है और अपनी खुद की टिकट्स पर 18% का रिटर्न मिलेगा। एयर इंडिया टिकट्स में खासकर खुद की टिकट्स पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है और इस कार्ड से अगर आपकी बहुत बड़ी गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं या एजुकेशन पेमेंट्स हैं उन पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और माइलस्टोन्स भी कवर हो जाते हैं जिससे आपका रिटर्न और काफी बेटर हो जाता है। हमारे टीम मेंबर ने ये कार्ड यूज किया है और उनके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस कार्ड के साथ, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि खुद की टिकट्स बुक करने पर जो एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स आते हैं उसके लिए आपको कभी कभी कई बार फॉलो अप करना पड़ता है और दूसरा ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स को एमआईएस में कन्वर्ट करने के लिए आपको SBI को फोन पर रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता ये। और लास्ट में ये है कि जो रिडेम्पशन की मिनिमम 10,000 पॉइंट्स और 5,000 पॉइंट्स के डिनोमिनेशन में ही रिडीम कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि एयर इंडिया के अभी फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम काफी सिंप्लीफाई किया गया है तो इस कार्ड के इश्यूज को भी होपफुली ठीक किया जाएगा। ये कार्ड जो लोग काफी फ्रीक्वेंटली एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं उनको डेफिनेटली रिकमेंड किया जा सकता है, पर जो प्रॉब्लम्स हमने बताई हैं उन्हें ध्यान में रखें। इनफैक्ट और लोग भी एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली ये कार्ड ले सकते हैं सिर्फ वेलकम बेनिफिट्स के लिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 3/5। अगर कार्ड के साथ जो इश्यू हमने बताए हैं वो ना होते तो हम 3.5 या 4 भी रेट कर सकते थे इस कार्ड को। खैर यही खत्म होती है वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।